Ninja. ब्लॉगिंग बना था जे यार मम्मी है सवेरे सवेरे काम कर रही थी तो अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोरा बैकस फैमिली जोहार सब कोई को एंड आज है 3 मई यानी कि कल 2 मई को मैं पाकुड़ से मैं दुमका आया और थोड़ा सा मौसम आज का थोड़ा सा गड़बड़ किया है। 5 बजे सवेरे निकलने का प्लान था लेकिन अभी 6 बज रहे हैं, 6:15 लगभग, तो थोड़ा सा मौसम दुमका में ख़राब कर दिया है, पानी वानी पड़ रहा है, सो हम लोग का शायद 1 घंटा 2 घंटा लेट हो सकता है यहाँ से निकलने समय। आप देख रहे हो ना पूरा पानी पड़ रहा है, देख लीजिए। अभी मैं हूँ छत पे रिशु का घर में, तो पूरा तरह से पानी पड़ रहा है, सवेरे से ही पानी पड़ रहा था, तो मेरा नींद टूट गया जल्दी ही, मतलब वही 5 बजे लगभग मेरा नींद टूटा, तब मैं उठ के देखा तो भाई पूरा पानी पड़ रहा था, देख रहे हो ना। तो मुझे लगता है कि जल्दी ये पानी रुकने वाला नहीं है, टिपिर टिपिर पानी पड़ रहा है और अभी तक बंद नहीं हुई है पानी, तो देखते हैं बरसात जब बंद होगी तभी निकलना पड़ेगा, तो ऐसे में तो नहीं निकल पाएंगे रांची के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी से ये पानी रुक जाए ताकि हम लोग अपना जर्नी हम लोग स्टार्ट कर सकें। चलो भाई अंदर पानी पड़ रहा है, भीग जाएंगे नहीं तो। ठीक है, क्या वहीं पे आएगा ना? कहाँ? वहीं पे आएगा, आए लोग के पास? हाँ वहीं आते हैं। ठीक है, ठीक। तो अभी हम लोग हैं कड़हरबीर में और यहाँ पे रिशु अपना भैया के पास बाइक रखा हुआ है, अपना वाला कंटिनेंटल, वो यहाँ से निकालेगा और अभी मैं जा रहा हूँ रिशु का नानी के पास क्योंकि रिशु का नानी के घर में मेरा बाइक है वहाँ पे। कल रात में हम दोनों गए थे रिशु के नानी के पास, बाइक साफ़ कर दिए एंड अभी जा रहे हैं बाइक को लेने के लिए। तो रिशु अपना बाइक लेकर के वहीं पे वो पहुँच जाएगा अपने नानी के पास, इतने में मैं अपना बाइक को साफ सफाई करूँगा, लगेज वगैरह बांध दूँगा। एंड दिस इज कड़हरबीर दुमका। दुमका में आप लोगों का स्वागत है। सवेरे सवेरे निकलने का प्लान किए थे 5 बजे समथिंग, लेकिन अभी अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है आपका 7 बजने वाला है। 5 बजे निकलने का प्लान किए थे लेकिन 2 घंटा लेट हो गए हम लोग। अंदर करना पड़ेगा फिलहाल, मैं यहीं पे बस स्टैंड किधर है बाबा इसका। बहुत मुश्किल पहले हम लोग बाइक को निकालते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग ऑल ब्यूटीफुल पीपल, जोहार सब कोई को फ्रॉम दुमका एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टाइम हो रहा है अभी 6:55 AM और आज है तारीख 4 मई 2022। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं रांची के लिए
तो ये रहा 310 का चाबी, और 310 बगल में पार्क किया हुआ है, तो उसको निकालते हैं। और बैकपैक है मेरा, तुरंत तुरंत हम लोग पैकिंग वैकिंग करते हैं, बांधते हैं बैकपैक वगैरह। तो रिशु अपना बाइक लेकर के आ रहा है यहाँ पे, एंड मैं अभी हूँ रिशु का नानी का घर में। तो चलिए, देर किस बात की है, पैकिंग करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। लेट्स गो बॉयज। अभी हम दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं रांची के लिए। यस, द रांची हार्ट ऑफ झारखंड। तो निकलने वाले हैं, और पीछे तरफ देख लीजिए, बाइक में लगेज वगैरह सब रेडी शेडी हो गया है, लेकिन बहुत टाइम लगा, आधा घंटा लगभग लग गया हम दोनों का लगेज बांधते बांधते। एंड वी होप सो कि आज का हम लोग का राइड अच्छा से हो, एंड आप लोग राइड का एंजॉय कीजिए। एंड चलिए निकलते हैं, क्योंकि हम लोग का प्लान था 5 बजे निकलने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया अभी। और अभी का हम लोग का टाइम हो रहा है 7:30 AM, तो अप्रोक्स 2.5 घंटा हम लोग का लेट हो गया। सो चलिए रास्ता में मिलते हैं। तो बाय द वे, ये प्लेस का नाम है गिदनी। गिदनी से अभी हम दोनों निकल चुके हैं रांची के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग दुमका से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग रास्ता में हैं, यहाँ पे रुके हुए थे फॉर नेचर कॉल फॉर दिस। तो यहाँ बाइक रिशु फ़ोन में व्यस्त है, एंड मतलब दुमका से हम लोग निकले थे 7:30 बजे लगभग। तो अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 8:40 AM। धनबाद पहुँचते पहुँचते शायद, हाँ, 10:30 हो जाएगा। तो दुमका से मतलब पहले तो हम दोनों गए मैक्सी स्टैंड, वहाँ पे चाय पिए गर्मा गर्म, इसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल गए। तो दुमका से निकलते समय का स्टैंड से, बस स्टैंड से, उस समय मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था, तो अभी हम लोग यहाँ से ब्लॉगिंग करते हैं रांची तक। तो रांची तक बने रहिए और देखते रहिए बाइकर्स। चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद, और यहाँ से मतलब कि यहाँ पे रुके हुए थे, आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप है, तो यहाँ पे रुके हुए थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था। और धनबाद में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, हम दोनों परेशान हो गए एकदम। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए, और यहाँ से निकलेंगे बोकारो की ओर। और हम दोनों का प्लान है कि बोकारो में पहुँच करके वहाँ पे हम दोनों खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा है हम दोनों को, और अभी तक हम दोनों ने खाना नहीं खाया है। तो आप लोगों से मिलते हैं बोकारो पहुंच करके। तो आप लोगों को रोड दिखा देते हैं। एक्चुअली ये मोड़ का नाम क्या है, ये प्लेस का नाम क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये मोड़ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट तरफ हम दोनों को जाना पड़ेगा, और स्ट्रेट जो है स्ट्रेट चल गया आपका राजगंज कतरास।
तो स्ट्रेट नहीं जाएंगे हम दोनों, यहाँ से हम दोनों लेफ्ट तरफ चले जाएंगे बोकारो के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बोकारो पहुँच करके। अच्छा भैया, ये मोड़ का नाम क्या है? ये मोड़ का नाम क्या है? करकेंद मोड़। केंद मोड़? करकेंद मोड़। करकेंद मोड़, ठीक है। What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, 'cause I'm running. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, 'cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, 'cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out, in front of a whole That's crowd. Right. We just control now, y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody got a different... So friends, finally hum log Gola pahunch chuke hain. Aur abhi hum log Gola se nikal rahe hain. और ये रहा गोला का छोटा सा मार्केट। शाम के टाइम में ब्लॉगिंग अच्छा होता है। हाँ, कब बाइक के साथ मिलेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिल गए। इंतखाब क्या? इंतखाब। हाँ, क्या घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर तो गोला हुआ, हम वहाँ से आपको देखे हम। अरे यार, उनका तो ब्लॉग देखते हैं, फिर सोचे चल तुरंत निकाले गाड़ी वो धोने के लिए लेके जाने का, लेकिन हम सोचे नहीं पहले मिल लेते हैं। अरे से एकदम आए फिर यहाँ पर आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि मेरा एक दोस्त है तो वो पीछे में है शायद, वो कॉन्टिनेंटल जीटी से आ रहा है। आप लोग रांची जा रहे हैं? हाँ, रांची जा रहे हैं अभी। इसका ना मुझे सर्विस कराना है रांची में, तो हम लोग की तरफ तो नहीं मिलता सर्विस इसका, तो रांची जा रहे हैं। भैया वहीं पर मेरे, तो वहाँ पर रहेंगे अभी। हाँ रहेंगे, दो तीन दिन रहेंगे वहीं पे। ठीक है, जब आइएगा फिर ठीक। ठीक, अच्छा हमको यूट्यूब में नहीं तो इंस्टाग्राम में हमको एक बार हाई कर देना। हाँ ठीक, मेरा इंतखाब आलम का नाम से इंस्टाग्राम आईडी होगा। अच्छा ठीक, आप देख लीजिएगा ना, हम लोग फिर मिलते रहेंगे उसके बाद। बहुत जल्द मेरा भाई भी ले दे रहा है मेरे को RC, आएंगे फिर हम भी आपके साथ। ठीक ठीक, ब्लॉग का बहुत शौक है। ठीक है तब, है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं सर। ठीक, ऐसे आपका नाम? मेरा मार्शल हंसदा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। ठीक ठीक, तो ऋषभ भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं। क्या हुआ? ब्लॉग बन रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग और मांझी हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी विलंब हो सकती है रांची पहुँचते। तो यहाँ से और मांझी से रांची है अप्रॉक्स 22 या फिर 23 किलोमीटर। तो आप लोग देख रहे हैं मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, पानी झमाझम पड़ रही है, क्या करें। और यहाँ पर एम्बुलेंस आती हुई, पता नहीं शायद किसी को हॉस्पिटल पहुंचा रहा हो, डजेंट मैटर। ओ, धूप भी है और पानी भी पड़ रही है, बताओ। फंस गए हम लोग और मांझी में, और टाइम हो रहा है अभी, टाइम कितना हो रहा है भाई, 5:30 शाम हो गया। तो यहाँ से और 20 मिनट या फिर 30 मिनट यहाँ से और लगेगा रांची पहुँचते। तो चलिए ऋषु भाई के पास जाते हैं, वो अंदर में बैठे हुए हैं। कुछ बोलना है तुमको? क्या बोलेंगे, चला पानी पड़े। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मडगार्ड लाना चाहिए था। अच्छा तो मडगार्ड लगाना चाहिए था, कंटिनेंटल में मडगार्ड नहीं लगा हुआ है, तो कंटिनेंटल में मडगार्ड नहीं लगा हुआ है तो पूरा छीटा मार रहा था आते समय। उम्मीद करते हैं हम लोग का बैग नहीं भींजा हो, क्योंकि ये रेन कवर का मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये फ्री वाला रेन कवर का, फ्री वाला रेन कवर है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि मेरा बैग कहीं भींज ना जाए। अय्या अय्या, सीट पोछ लेते हैं भाई। तो वी आर ऑलरेडी इन रांची और अभी हम दोनों जा रहे हैं भैया का रूम, वहाँ पर जाकर के फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट की तरफ। बाबू हटना, क्या बैग लेकर के आता है? हाँ। खोल देते हैं। बहुत देर लगा था, कहाँ पे था? वो आराम से आ रहे थे। खाना खाया क्या भाई? हाँ अभी खाया। हम दोनों बोकारो के बाद ही खा लिए थे वो वीआईपी होटल में। वीआईपी कितना का बिल बना? 380 360 धनबाद मार्केट भी घुसे थे ना हम दोनों, तो मार्केट जाम था, ट्रैफिक था धनबाद में। लॉक है अंदर? हाँ। हम आते हैं तो फ्लिपकार्ट ही आते हैं। भाई दोनों? हाँ दोनों भाई, छोटा भाई। हाँ हाँ बहुत दूर से, आगमन डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पूरा पार्किंग इधर तो गाड़ी रखना है, इधर में ठीक है पूरा, और पार्किंग देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग भैया के पास पहुँच गए हैं और फिलहाल अभी हम लोग रूम में बैठे हुए हैं। ऋषि भाई छुप रहा है पीछे में, बैकग्राउंड में देखिए 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 लेटा हुआ है पीछे में। तो काफ़ी देर से हम दोनों बाइक चला रहे थे, तो अभी बेड में बैठे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ वी आर इन पनवेल नाउ, झारखंड वाला पनवेल है ये, द हार्ट ऑफ झारखंड रांची। तो रांची पहुंच गए हैं और थोड़ा सा फेस सब भी शायद ऑयली ऑयली लग रहा है, फेस सब नहीं धोए हैं तो धो लेंगे अभी। तो आई होप यू लव लाइक दिस ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है आप लोग क्या करना है, कल अगर ब्लॉग करें तो फिर कल मिलेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी रांची में रहेंगे कुछ दिन तक, इसके बाद हम लोग लौटेंगे दुमका की ओर। तो सी यू फ्रेंड्स, राइड हार्ड राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट वाइल राइडिंग। तो कुछ बोलना है आपको? क्या बोल रहा, कुछ बोलना था क्या? हाँ कुछ बोलना था तुमको भी, आज का एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? आज का एक्सपीरियंस लाइक नो कि पीछे तरफ तो लग रहा सब गायब हो गया है, पर फिर भी ठीक ठाक ही, इतना हरासमेंट इतना रस से नहीं आए हम लोग, रुक रुक के आए, रेस्ट लेते लेते आए, तो इट्स गुड नो, सब अच्छा ही रहा, सब ठीक ठाक था। और आई होप जाने टाइम भी हम लोग रुकते रुकते ही जाएंगे, इतना रस में नहीं जाएंगे, बस इतना ही। तो आप लोगों ने सुना ऋषि भाई की तरफ से, बहुत आराम से हम दोनों आ रहे थे एवरेज स्पीड में 60-70 में, तो इसलिए हम दोनों का नहीं नहीं 60-70 में आ रहे थे, मैक्सिमम जा रहे थे तो 80 110 नहीं। तो सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।